सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ट्रेंडिंग चैनल को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम सचिन परमार एंड आप देख रहे हो टेक्निकल ट्रेंडिंग। चलिए गाइस शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू थर्ड टेक न्यूज। जी हाँ, थर्ड टेक न्यूज आ गई है मेरे पास। तो पहली टेक न्यूज हमारे पास आ रही है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग ने बताया कि आगे चल के हमारे फ़ोन आ रहे हैं कि जिसमें फिजिकल बटन जो है हम नहीं रखेंगे, मतलब फिजिकल बटन जैसे वॉल्यूम बटन हो गया, पावर बटन हो गया, वो हमारे पास नहीं होंगे। इसकी जगह पे हमारे पास होंगे प्रेशर सेंसिटिव बटन, मतलब टैप करना, ठीक है, टैप करोगे, स्वाइप करोगे, इस समथिंग कुछ ऐसे ऐसे, इससे आपका फ़ोन वगैरह ऑन होगा, वॉल्यूम वगैरह अप होगी। तो एक बहुत ही कमाल की बात है, ऐसे फ़ोन आए थे 2019 में और 2019 में ही आए थे। तो देखते हैं क्या देता है सैमसंग अब आगे। ये जल्दी ही आएंगे फ़ोन बोल रहे हैं सैमसंग। और बात करते हैं दूसरी टेक न्यूज़ के बारे में। दूसरी टेक न्यूज़ हमारे पास एक बहुत ही कमाल की टेक न्यूज़ आ रही है, एक बहुत ही कमाल की ऐप आ रही है इंडिया में, वीपर नाम की, VEEPER, हाँ वीपर नाम की एक ऐप आ रही है हमारे पास। इन्होंने बताया है कि इस ऐप में 15 चैट्स ऐप होंगी, जैसे व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया, फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, सिग्नल, टेलीग्राम वगैरह, ये सारी ऐपें एक ही ऐप में होंगी। ये बहुत ही कमाल की बात है कि एक ही ऐप में सारी ऐप्स हैं। तो देखते हैं इस ऐप में क्या क्या होता है। बता रहे हैं फिलहाल तो 700 rupees इसकी सब्सक्रिप्शन है। तो देखते हैं क्या होता है। मूव करते हैं हम थर्ड टेक न्यूज़ की तरफ। थर्ड टेक न्यूज़ हमारे पास आ रही है माइक्रोसॉफ्ट वालों की तरफ से। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर दिए हैं अपने सरफेस गो लैपटॉप्स, जी हाँ, जो कि बहुत ही कमाल के लुक्स दे के आए हैं। लुक्स मैं कुछ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो। और इसके प्राइस की बात करें तो US में है 40,000 के करीब करीब और इंडिया में पता कितने हैं 64,000 के करीब करीब। ये तो बड़े हाई प्राइस चले गए US में 40 और 64। तो जो भी माइक्रोसॉफ्ट लवर है वो माइक्रोसॉफ्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, न्यू लैपटॉप्स आ गए हैं। फोर्थ टेक न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। 26 जनवरी, जी हाँ, नहीं नहीं मैं 4G की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कर रहा हूँ पबजी की बात, कुछ और आ रहा है 26 जनवरी को। 4G तो आ ही रही है, पबजी मोबाइल इंडिया का तो हमें पता ही नहीं, कुछ न्यूज़ ही नहीं आ रही उसकी। 26 जनवरी को आ रहा है मोटो एज एस, जी हाँ, चाइना में लॉन्च हो रहा है ये मोटो एज एस, मोटरोला का न्यू सेट, जी हाँ, उसमें डाला है इंडिया का फर्स्ट स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर। और इसका बेंचमार्क स्कोर भी बाहर निकल के आया है 680,000, जी हाँ। बता रहे हैं कि यार इस प्रोसेसर में थोड़ा दम हो सकता है क्योंकि इसके बेंचमार्क स्कोर को देखकर हम देख रहे हैं कि 680,870 में ही। तो देखते हैं क्या आता है इस प्रोसेसर में। ये हाँ, फाइनली इंडिया में भी आएगा ही आएगा, देखने के लिए मिलेगा हमें जल्दी ही। तो फाइनली फिफ्थ नंबर पे हमारे पास टेक न्यूज़ आ रही है रियलमी वालों की तरफ से। जी हाँ, रियलमी अब दौड़ने लग पड़ी है रेस में। जी हाँ, रियलमी रेस प्रो आ रहा है फाइनली मार्च मंथ में। जी हाँ, इसके बताया जा रहा है क्रिटेरिया 160Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, 120 and 25W का इसका चार्जर है। तो देखते हैं रियलमी क्या करता है। 5000mAh की इसकी बैटरी है, तो 125W का चार्जर कुछ ऐसा बताया है, आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो। तो आज की टेक न्यूज़ में इतना ही। आपको कैसी लगी आज की टेक न्यूज़ नीचे कमेंट करके बताएं, और लाइक करना मत भूलें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।